Everything is plant. I am sorry. Mom gets to come here, Punarjanmana Vidyate. जो मेरी शरण में आएगा हे कौंते उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लोग मृत्यु से बचना चाहते हैं, मृत्यु से बचने से क्या होगा, जन्म से बचो। इसलिए भगवान गीता में कभी नहीं बोलते कि मृत्यु नहीं होगी। भगवान हमेशा क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म विद्यते त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति। बार बार जन्म के ऊपर फोकस कर रहे, मृत्यु के ऊपर नहीं। और डॉक्टर किसके ऊपर फोकस कर रहे, मृत्यु से कैसे बचाना है। भगवान के जन्म से बचाने का सोचो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड डॉक्टर। ताकत नहीं रोक सकती, इसलिए मृत्यु पे मत फोकस करो। किस पे फोकस करना है, जन्म ना हो दोबारा इस संसार में, उस पे फोकस करो कि दोबारा वापस ना आना पड़े। बार 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये नहीं करना पड़े। ऐसा करो जीवन, तुम जन्म हो गया तो फिर जन्म होते ही उसके साथ पूरा पैकेज आएगा आपके पास। एक पैकेज आता है ना पूरा, इसमें बाकी सब तो बोनस में मिलेगा आपको। कंबाइंड पैकेज है, जन्म के साथ मृत्यु भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी आएगा, वो पैकेज में पैक होके आता है। नहीं आता जी कोई एक्स्ट्रा ऑफर रखता है, कुछ गिफ्ट मिलता है। व्यक्ति तो जन्म लेना चाहता है इस संसार में, लेकिन जन्म के साथ कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलता है, क्या गिफ्ट पैक। लेकिन वो कौन सा उसको क्या होता है गिफ्ट पैक, ऑफकोर्स वो गिफ्ट पैक हमको पसंद नहीं आता, अलग बात है। उसमें जरा, व्याधि और मृत्यु, ये तीन पैक मिलता है गिफ्ट के रूप में। कोई मांगता नहीं, ये पैक के साथ आता है, समझे बात को, जन्म के साथ मिलता है ये। तो इसलिए जन्म से बचो। तरंगे भवसी धूरे आधी कदम हम लोग बजहुरे मन श्री नंद नंदा अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर भव सिंधु रे। ये बहुत सागर से पार हो जाओ, पार पर बताओ संसार, ये समाधान है। क्या है ये समाधान है। तो ये बोलते हैं कि आपको कौन खिलाएगा, बहुत बड़ा टेंशन रहता है भक्तों का। और मेरे को 15 साल हो गए ज्वाइन किए, कितना 15 साल, 12 अक्टूबर को 15 साल हो जाएंगे। 15 साल में मैं खा खा के परेशान हो गया हूँ। कई बार लोगों को बोलता हूँ मत खिलाओ इतना यार, पता नहीं भक्त लोग तो प्रभु जी ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होगा। मैं बोलो मेरे को डायबिटीज है, मेरे को इतनी समस्या है। बोलो नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको खाना ही पड़ेगा, हम निराश हो जाएंगे, हमको खुश करने के लिए खाइए। इतने लोग खिलाने के लिए बरते रहते कि आ जाए खा ले थोड़ा है? अब उल्लू लोगों के पेट पे ही पड़ी हुई है, पेट नहीं भरता उनका, उनके जीवन का लक्ष्य ही हो गया बिल्ली। फिल द बिल्ली इज द गोल ऑफ लाइफ। That is not the goal of life. जीवन में बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है,
but that is not the goal of life. जैसे टॉयलेट जाना जरूरी है कि नहीं, और टॉयलेट नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, है कि नहीं? तो टॉयलेट जाना जरूरी है, बट टॉयलेट जाना इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है प्रभु? टॉयलेट जाना। टॉयलेट जाना लक्ष्य नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, बट दैट इज नॉट द गोल, है कि नहीं? उसी तरह से पैसा कमाना जरूरी हो सकता है, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। पेट भरना जरूरी हो सकता है, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? तरंगे भव सिंधु रे, द गोल ऑफ लाइफ इज not to come back again, no more life, that is the goal of life.